सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। शनिवार को कनीराम चौक पर दिन दहाड़े चार युवकों ने मिलकर अघोर आश्रम निवासी अजय राम से 5,000 रुपए जबरन मारपीट कर ले लिए। शहर थाना में मामला दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी जेपी सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और छापेमारी शुरू की गई, जिसमें दो लोगों को भोला कुमार और शकील अहमद को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 2100 रुपए और मोबाइल बरामद किया गया है। वो अपना शादी ब्याह का मार्केटिंग करने के लिए गया हुआ था कन्नीराम चौक के पास, तो वहाँ उसे चार व्यक्ति रोके, डरा धमका कर उससे 5,000 रुपया छीन लिए, ले लिए। क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका है, पैसा लेने के बाद वो लोग भागने लगे, तो स्थानीय लोगों ने पहचाना कि यही क्या कुंड मोहल्ला का नाम व्यक्ति लोग है, जिसमें अजय राम के द्वारा दो व्यक्ति पर नामजद प्राथमिकी भोला कुमार और शकील और दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक टीम गठित करके इन दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्तियों के पास से जो भी छीना हुआ पैसा था उसमें से एक के पास से 1,000 रुपया और दूसरे के पास से 1,100 रुपया बरामद हुआ।